आज हम गोल साइज का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। डोरमेट को हाथ मोड़ने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आप ग्रीन कलर की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच ली गई है। ग्रीन कलर की पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं और दो उंगलियों पर दो राउंड लगा लेते हैं और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से दो उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुठाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग की गुठाई कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इसको लूप बोलते हैं, इसको फंदे भी बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टियां निकालते हैं डोरमेट बनाने के लिए। ये हमारा पहला राउंड हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से दो नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पहला राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। ये हमारा दूसरा राउंड पूरा रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। अब एक फंदे में एक फंदा का 3-4 राउंड लगा लेते हैं और 3-4 राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार बढ़ जाता है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन जाती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है और जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन जाती है। अब ग्रीन कलर की पट्टी की जगह आप एक और पिंक कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं डोरमेट में डिजाइन बनाने के लिए। सुई धागे से सिलाई कर लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। इस राउंड में एक फंदे में दो नोट लगाने से तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन रही थी, वह झोल पड़ने की संभावना दूर हो जाएगी और हमारे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा। प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जाता है। एक राउंड पूरा होने के बाद में पिंक कलर की पट्टी की जगह ग्रीन कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं सुई धागे की सहायता से। अब इस राउंड में फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में दो फंदे निकालने से फंदों का आकार आधा हो चुका है और अब डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे।
अब हम 4 या 5 राउंड लगाएंगे एक फंदे में, एक फंदा का। और जब 4-5 राउंड लगाने के बाद में जब फंदों का आकार भर जाता है तो उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे पिंक कलर की पट्टी द्वारा। अब 4-5 राउंड लगाने के बाद में अब इस राउंड में फंदों का आकार भर चुका है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार भर चुका है तो अब इस राउंड में ग्रीन कलर की पट्टी की जगह पिंक कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं डोरमेट में डिजाइन बनाने के लिए। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं पिंक कलर की पट्टी द्वारा। प्रकार से हमारा ये राउंड पूरा हो जाता है और पिंक कलर की पट्टी की जगह अब ग्रीन कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं सुई धागे की सहायता से, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में 2 फंदे निकालने से फंदों का आकार आधा हो चुका है और डोरमेट में अब किसी प्रकार की कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अब 4 या 5 राउंड लगाएंगे एक फंदे में एक फंदा देते हुए। उसके बाद में 4-5 राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार बढ़ जाता है तो उस राउंड में पिंक कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं और एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं इतना बड़ा डोरमेट बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। डोरमेट को हाफ मोड़ने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।